एक मिनट जस्ट वेट करो, मैं नाम पढ़ के आपको बताता हूँ। साकेत हॉस्पिटल दिखाऊँ आपको? दिखाता हूँ। तुम्हें मेरे सामने आप देख रहे हो ना, इस हॉस्पिटल में आना पड़ गया। क्यों आना पड़ गया? क्योंकि गाइस मेरे बॉस के किसी रिलेटिव की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम यहाँ आए हुए हैं। और मैं आप सब से कुछ बात करनी थी गाइस। बात ये करनी थी कि मैं क्या जॉब करता हूँ। आप सब पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में, आप कमेंट आए हुए थे आपके कि आप क्या जॉब करते हो। गाइस मैं जॉब करता हूँ, मैं किसी के पास एज द PA लगा हुआ हूँ। मुझे उनके गाड़ी लेके उनके जो भी काम होते हैं वो सब मुझे करने होते हैं। तो मेरी ये जॉब है, एज अ PA लगा लो, मुंशी लगा लो, कुछ भी लगा लो, मेरी ये जॉब है। तो मैं इनके पास ये जॉब करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ यूट्यूब के लिए। क्योंकि यार मैं सच बताऊँ, मेरी फीलिंग क्या है, मेरी फीलिंग ये जॉब नहीं है। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं जॉब करूँगा। वो तो चलो, कहते हैं ना कि लाइफ एक जैसी नहीं रहती, कभी भी हमेशा बदलती है। तो एज द जो मेरा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस टाइम मुझे जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो मैं भूलना भी नहीं चाहता, इसलिए चलो ये जॉब कर रहे हैं। पर भोलेनाथ का अगर साथ रहा ना, तो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करेंगे, बहुत बड़ा जरूर करेंगे। मेहनत लगे हुए हैं करने, बस वो इंतजार है उस मौके का कि वो मौका हम हमें कम मिलेगा और हमें वो मौका का फायदा उठाना है। क्योंकि यार मैं बना ही नहीं हूँ जॉब के लिए। आप सबको सच बताऊँ ना गाइस, तो मैं जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। चलो ये लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है, पर मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है गाइस। तो जो भी चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और अपने साथ कराओ। और जो भी चैनल पे नए हैं ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पुराने भी, जो पुराने हैं वो भी कराओ, अपने आसपास अपने फ्रेंड्स पड़ोसियों को, ठीक है? और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि और हाँ एक बात और कि आप सब इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, क्योंकि मैं अगर यूट्यूब पे अपडेट जब नहीं रहता तो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट रहता हूँ। तो आप वहाँ फॉलो कर लो, आपको यहाँ पे कहीं पे मेरी इंस्टा आईडी आ रही होगी, उसको सर्च करो और मुझे फॉलो करो, ठीक है गाइस? जल्दी से, हमारे 2K से हम थोड़ी दूर है, 2K करा दो फटाफट, ठीक है गाइस? चलो मिलता हूँ, बाकी मैं आपको जैसा भी रहेगा, ठीक है? तो बहुत बातें करनी है आपके साथ, टाइम टू टाइम मैं आपके साथ बातें करता रहूंगा, ठीक है गाइस? तो गाइस वैसे अब क्या कहते हैं उसको, टाइम 4 बजने वाले हैं। वैसे हमने अपना लंच कर लिया था, तो अब आए हैं हम सेक्टर 8 गुरुद्वारा में, यहाँ पे मत्था टेकने आए हैं। और आप बताओ, आप क्या कर रहे हो कमेंट में बताओ। 4 बजे के करीब आप सब क्या कर रहे हो? मैं तो गुरुद्वारे आया हुआ हूँ, आप बताओ। तो गाइस मैं अभी उतरी में रहे ना, मैम जो सेक्टर वाइफ, उन्होंने मुझे भेज दिया था डॉक्यूमेंट्स फोटोस्टेट कराने। वो सामने मार्केट से मैं अभी आया हूँ, क्योंकि यार मैं गया इतनी पास के लिए क्या गाड़ी लेके जानी, पैदल ही चल लेता हूँ, थोड़ी सैर हो जाएगी। और वो सामने में है ना गुरुद्वारा, वहाँ जाना हमने यहीं से पैदल होके, इसके बैक साइड हो जाएंगे। मुझे लगा गाड़ी, हमारी गाड़ी कौन चला रहा, चाबी तो मेरे पास है। और घर कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं यार, करेंगे मेहनत। हाँ जी, एक हमारे घर पे भी है, जाएंगे फिर दिखाएंगे आपको क्या करेगा।
भाई साहब को जाते हैं तो पहले मसाज चाहिए, फिर अंदर जाने देगा। और ये देखो बहुत ही सुंदर मंदिर और साथ में ही गुरुद्वारा दोनों साथ साथ में है। इधर सेक्टर 8 के अंदर दिखाओ, और बहुत ही सुंदर मतलब इसका ना डिजाइन बना हुआ आगे से बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा ये डिजाइन क्या ही सुंदर लग रहा है। और सब इसके बाहर ये फूलों की दुकान है ना, तो फिर बहुत सुंदर जय है। मत्था टेक लो सारे हाथ जोड़ के अपने। देख ये फूलों की दुकान, एक मिनट गाइस मैम का फोन आ गया, मैं उठा लूँ। बेसमेंट वो सामने से बिल्कुल निकल रहे हैं, वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी, ऑफिस में भी जाऊँगा ये पकड़ाऊंगा तो देन निकल जाएंगे, तो मिलता हूँ आपको। तो गाइस मैंने आपको दिखाया था ना कि हम सहारनपुर से ये फर्नीचर लेके आए थे, तो ये जो फर्नीचर है ये अभी रेडी नहीं है, ये रेडी कर रहे हैं हमारे भैया यहाँ पे। इसको क्या कर रहे हैं वैसे भी, हम रगड़ाई हो रही है अभी रगड़ाई हो रही है, उसके बाद हम तैयार करेंगे। अभी तैयार करने में टाइम लगेगा। अभी एक्चुअली गाइस ऐसा है, मैं आपको शॉर्ट दिखा रहा हूँ, इसके लिए ना हम पूरी वीडियो बनाएंगे अच्छे से कल। ठीक है, अभी मैं आपको बस हल्का हल्का दिखा रहा हूँ कि ये अभी ऐसा कुछ फिनिशिंग हो रही है इसकी, जब ये हो जाएगी उसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे क्या ही बढ़िया आएंगे, और भैया का काम दिखाएंगे पूरी टीम इनकी। तो गाइज मैं अब आया हूँ ये शिवालिक हॉस्पिटल। अभी मैं अगर दिखाऊँ तो गाड़ी बस पार्किंग में लगा रहा हूँ। और बताओ जो मैंने आपसे पूछा था आपने उसका कमेंट कर दिया ना गाइस, या नहीं किया? अगर नहीं किया तो कर दो। मैं ना एक बारी गाड़ी ना सही नहीं लगी मेरी, और जब तक सही नहीं लगेगी ना मुझे वो होता रहेगी, इसलिए मैं पहले गाड़ी सेट कर दूं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है गाइस। गाइस अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो टाइम 6:30 हो गए और अभी भी हम इसी हॉस्पिटल में हैं। देखो यार कब जाएंगे, क्योंकि यार फ्राइडे सैटरडे मंडे, आज मंडे है, रोज यार लेट जा रहा हूँ। कल भी ना मैंने सारा दिन ना सो के निकाल दिया, क्योंकि यार मैं लेट पहुँचा था, मतलब सैटरडे को लेट पहुंचा था रात को घर, 3 बजे बज गए थे मुझे। और अब भी मैंने वीरवार को मतलब थर्सडे को जाना है पटियाला, उस दिन भी मैं लेट आऊँगा, उस दिन भी हमें करीबन सवेरे 4-5 बज जाएंगे, और अब भी यहाँ पे मुझे 6:30 हो गए हैं, और आधा पौना घंटा मुझे जाने में लग जाएगा, उसके बाद देखो कब फ्री होता हूँ यार। और ऐसा ही चल रहा है, सोचता तो हूँ पर इस बार ना कुछ भी हो जाए यार, इस बार ना मैंने जाना ही जाना है राइड पे, संडे राइड पे, क्योंकि बहुत माइंड में ना कंटेंट सोचे हुए मैंने बहुत सारे, वो मैंने करने ही करने हैं कंटेंट पूरे। और इंस्टाग्राम पे क्या यूट्यूब पे भी मज़ा आ जाएगा, मतलब जो चीज़ मैंने सोची हुई है अगर मुझे मिल जाए ना, क्योंकि यार एक्चुअली पता क्या है मेरे ना इकला हूँ, कि मैं शूट करूँ या वो करूँ, एक बार अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाए ना, मतलब सच बताऊँ तो मुझे अपनी वाइफ को ही करना पड़ेगा, क्योंकि यारी दोस्ती देखो सोचता हूँ मैंने यार दोस्त रखे नहीं, क्योंकि देखे हैं रखे आज के टाइम में ना, बहुत जिनके पास दोस्त हैं बहुत किस्मत वाले हैं, और हमारी किस्मत में तो नहीं है, हमारे किस्मत में हमारे दोस्त हमारी फैमिली ही है। तो मेरी लाइफ में फिलहाल जो मेरी दोस्त हैं मेरी फैमिली है, तो उनको ही मैं रेडी करूँगा उस चीज़ के लिए, और फिर उसके बाद क्या अच्छे अच्छे शॉट्स लेंगे, जल्दी मिलेंगे और बनाऊँगा यार, करूँगा कुछ ना कुछ जल्दी ट्रिप पे जाने का। ठीक है, तो यहाँ से जब भी फ्री होता हूँ मैं आपको नेक्स्ट मिलता हूँ, कहाँ मिलता हूँ देखते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ। तो गाइस मैंने अपनी बाइक कर ली है स्टार्ट, जो तो
कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि पेंट भी हो जाएगी, फिर पेंट के अंदर जो डाला वो भी गीला हो जाएगा, इसलिए तो साफ कर लेते हैं। थोड़ी कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, ठंडी हो रखी है होगी, थोड़ी गर्म हो जाएगा इंजन तब चलाएंगे। मैंने तो यार इसका फ्यूल भी नहीं देखा, फ्यूल देखता हूँ कितना फ्यूल, तो ठीक है गाइस। चलो मैं घर जाके मिलता हूँ इसको, यहाँ रख देते हैं, कल काम आ जाएगा। चलो चलते हैं। पहुंच गया हूं, जैसे कि आप ये देख रहे हो भाई साहब का स्टाइल, ये हर रोज का स्टाइल है आपका, हर रोज का, ये हर रोज का स्टाइल है बाबू भैया, बहुत लाडला है, करता भी मेरा ज्यादा। और आज का आउटफिट मेरा ये था, दिखाता हूं मैं आपको, थोड़े बटन बंद कर लिए थे अभी मैंने ना, क्योंकि ठंड बहुत हो चुकी है, इसलिए पैक होके जाना पड़ता है गाइस। और खुल जाए यार, ये आउटफिट था मेरा आज का। कमेंट में बताना ठीक है गाइस। आज बना खाने में मटर पनीर और चपाती, और भाई साहब बैठे हैं खाने के लिए, तो इसको खा लेते हैं पहले, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो ठीक है गाइज, इस ब्लॉग को हम यहीं एंड कर देते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जो भी चैनल पे नए हैं ना गए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए हर हर महादेव।